चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित करते हुए इको फ्रेंडली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। इसके साथ ही चीन एशिया का पहला देश और दुनिया का दूसरा देश बन जाता है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। इससे पहले पिछले साल जर्मनी में एलस्टॉर्म कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था। इस ट्रेन को CRRC चांगचुन रेलवे कंपनी और चेंगडू रेल ट्रांजिट द्वारा साथ मिलकर विकसित किया गया है। एक बार हाइड्रोजन ईंधन भरे जाने के बाद यह ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकेगी। अगर इस ट्रेन के स्पीड की बात करें तो यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ने में सक्षम है। जर्मनी और चीन ही नहीं, भारत भी इस क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। भारत इस साल अपनी पहली घरेलू निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है। चीन में हाइड्रोजन ट्राम के प्रोडक्शन का काम 2010 में शुरू किया गया था। इस ट्रेन में मॉनिटरिंग सेंसर, 5G डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के साथ ही कई अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और इसके बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। इस तरह से ट्रेन पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बन जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।